नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन से जुड़ी हुई चर्चा करने के लिए। चर्चा जब फ्रांस की हो तो चार्ली एब्दो की भी होगी, चार्ली एब्दो की हो तो पाकिस्तान की भी होगी, और पाकिस्तान को किस प्रकार से गणतंत्र दिवस के समारोह में आनंद ले लिए गए इसकी भी चर्चा होगी। जी हाँ साथियों, गणतंत्र दिवस भारत में सेलिब्रेट हो रहा था लेकिन ट्रोलर्स पाकिस्तान के मजे ले रहे थे। पाकिस्तान के मजे लेते हुए लोग बग्गी बग्गी चढ़ा रहे थे। अब ये बग्गी की कहानी क्या है जरूर आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन आपको ज्ञात हो कि भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह पर समटाइम्स अपने कई चीफ गेस्ट को इन्वाइट करने की प्रथा रही है, और चीफ गेस्ट के इन्विटेशन में हमने इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को इन्वाइट किया था कि भैया समय मिले तो चले आइएगा, चीफ गेस्ट बना करके आपका उपयोग करेंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि देश में क्या क्या तरक्की हो रही है, हमारे राज्यों में क्या क्या चल रहा है। लेकिन बाइडेन बिजी हैं अपने इलेक्शन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बुढ़ापे में भी वापस से सीट रिपीट कर पाए, दोबारा राष्ट्रपति बन पाए, इस कारण से वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, भारत ने अपने मित्र को याद किया। भारत ने अपने मित्र के रूप में इमानुएल मैक्रॉन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इन्हें बुलाया। अच्छा, इसके पीछे की बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि भारत किसे अपना चीफ गेस्ट बनाएगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हुए हैं कि चीफ गेस्ट बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से पहले लिस्टिंग की जाती है। यह तय किया जाता है कि चीफ गेस्ट वो व्यक्ति बने जिसके साथ किसी और देश के खराब संबंध ना हो, साथ ही साथ अगर हो तो भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर उस बात का कोई खास असर ना पड़े। इसी स्थिति में भारत ने फ्रांस को बुलाया। फ्रांस का पाकिस्तान के साथ जो स्टैंड है वो आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए भी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं कि राजदूत को भगाइए। आपको याद होगा कि यहां पर चार्ली एब्दो के पोस्टर के बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था, और विरोध इस बात का था कि फ्रांस की तरफ से जो भी लोग हैं उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। कोई बात नहीं साहब, तो हमने पाकिस्तान को मिर्ची लगाने के लिए इमानुएल मैक्रॉन को बुलाया, ये तो सत्य है। लेकिन एक चीज और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और वो बात ये है कि फ्रांस खुद केवल और केवल भारत के साथ संबंध रखने का इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस बात का भी इंटरेस्टेड है, इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर अमेरिका वर्सेस चीन की चर्चा ना हो। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर यह ना कहा जाए कि चीन बड़ी पावर है कि अमेरिका बड़ी पावर है। फ्रांस खुद को भी एक बड़ी पावर के रूप में बताना चाहता है। हाल ही में जैसे आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब फ्रांस के संबंध खराब हुए थे, कुछ सबमरीन्स का मसला हुआ था जिसमें फ्रांस की डील को कैंसिल करके अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के हड़प लिया था, उस दौर में भी फ्रांस ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दी थी, और उस तीव्र प्रतिक्रिया के चलते फ्रांस अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि भैया हमें हल्के में मत लो, हम भी एक पावर है, क्योंकि देश की आजादी से पहले तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर प्रमुख राष्ट्रों में फ्रांस था, भाई युद्ध लड़ने वालों में लीडर्स में फ्रांस था। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसी बीच में फिलहाल के लिए इमानुएल मैक्रॉन का इंडिया आना, इंडिया आकर के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देना, भारत के साथ अपनी मतलब रिश्तों की जो गर्मजोशी है उसका एहसास ट्रांसफर करना, ये अपने आप में काफी मेमोरेबल यात्रा का हिस्सा रहा। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में आपको वेलकम दिया गया। राजस्थान के अंदर आपको ज्ञात होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में राजस्थान के जयपुर राजधानी, जो राजस्थान की राजधानी है, उसकी चार दीवारियां वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का। प्रधानमंत्री ने उन्हें ओपन गाड़ी में बिठा करके वहां की चार गलियों से गुजारा है। साथ ही साथ आमेर फोर्ट हुआ, आमेर फोर्ट के साथ हवा महल हुआ, जंतर मंतर हुआ, जिनका बहुत ही प्रासंगिक महत्व आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप घूम करके लक्षद्वीप के अंदर टूरिस्ट की संख्या बढ़ा दी थी।
प्रधानमंत्री ने मैक्रोन को जयपुर घुमा दिया है। लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी जयपुर आने वाले हैं, और तो और जिन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के कारण जयपुर देख लिया है वो भी बड़ी संख्या में अब जयपुर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राजस्थान को टूरिज्म का लाभ होगा, ये एक अच्छा तरीका भी है। प्रधानमंत्री इससे भी पहले कई बार गुजरात के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण मेहमान हैं उन्हें बुला करके गुजरात दर्शन करा चुके हैं। जयपुर में मैक्रोन का स्वागत होता है, बकायदा उन्हें हर जगह महत्वपूर्ण जगहों पर घुमाया जाता है, और घुमा करके प्रधानमंत्री उन्हें एक दुकान पर रुकवा करके चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते हैं, वहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया होता है। इंटरेस्टिंग वाकया ये कि राष्ट्रपति से पेमेंट यूपीआई के थ्रू करवाया जाता है, और यूपीआई का पेमेंट जब हुआ तो इमानुएल मैक्रोन ने अपनी यात्रा की समाप्ति पर अपने अंत का जो भाषण दिया उसमें इस पेमेंट का बड़ा जिक्र किया कि मैंने यूपीआई से पेमेंट किया। Translated one century ago, and I will not forget the chai we shared together close to the palace, because it was a chai paid with UPI. And this is the perfect synthesis of why it is so special. Friendship and the warmth of such a celebration, tradition and innovation. And this is exactly what we do together and what we want to do together. And this ceremony was for me a sort of metaphor of the whole relation we want to have and we will have. And from scientific links to culture, to education, to defense industry, nuclear energy, and all the different sectors being present here, I have to say that the intensity is due to the fact that indeed we do share this willingness to have warmth and friendly common approach, to respect our tradition, especially our culture on both sides, but to build together the future. This is exactly what is core for the ambition of our own friendship. And yesterday, right before this tea, we went to the Janta Manta that we visited together. आपको याद होना चाहिए, इंडिया यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। जो आप लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं आजकल जेब में कैश ले जाना छोड़ दिए हैं, उस तरह का कुछ राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के साथ भी जब हुआ तो इससे भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और आगे तीव्रता देखने को मिली। पूछिए, आपको याद होगा फ्रांस में एक बहुत ही अद्भुत जगह है एफिल टावर, और उस अद्भुत जगह एफिल टावर पर अब यूपीआई का उपयोग होने लगेगा। केवल एक चाय के सौदे पर ऐसा काम हो गया है। आप विचार कीजिए कि चाय कितने अच्छे अच्छे रिश्ते बना सकती है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने इमानुएल मैक्रोन को अपनी तरफ से राम मंदिर की प्रतिमा का एक मोनो भेंट किया, और ऐसी स्थिति में इस भेंट से भी एक और मैसेज दुनिया को गया कि भारत अब राम मंदिर का ब्रांडिंग पूरे दुनिया में करने वाली है। आपको याद होना चाहिए कि भारत चाहता है कि एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बने, एक ऐसा भारत के अंदर एक पहचान बने जो कि पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो। तो राम मंदिर के रूप में इसकी शुरुआत कर दी गई है, और इमानुएल मैक्रोन को वो भेंट करके इस बारे में मैसेज को क्लियर कर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कितना भी चिल्ला ले कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, राम मंदिर बन गया, ओआईसी कितना भी चिल्ला ले, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इमानुएल मैक्रोन को जयपुर घुमाकर 26 जनवरी के दिन दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली में ले जा करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आपको वेलकम दिया जाता है, और राष्ट्रपति भवन से इमानुएल मैक्रोन बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस की परेड को देखने पहुंचते हैं।
इस बार की गणतंत्र दिवस परेड पर हमने लाइव आपके लिए इस चैनल पर वीडियो चलाया भी था और आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से वहां पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। हमने इस विशेष तैयारी पर भी एक सेशन बनाया था, संभवतः आपने अपनी पाठशाला पर देखा होगा। इस पूरे प्रक्रम में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई और वो क्या थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इमानुएल मैक्रोन दोनों एक ओपन बग्घी में बैठ करके कर्तव्य पथ से निकले। ये बग्घी बड़ी इंटरेस्टिंग थी साथियों। कहते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस समय गवर्नर जनरल, हालांकि गवर्नर जनरल पद 1857 के बाद खत्म हो गया, उसको वायसराय कहा जाने लगा, लेकिन लोग उसे आज भी गवर्नर जनरल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। कहते हैं कि वायसराय इसी बग्घी में बैठ करके निकला करते थे। देश की आजादी के बाद ये बग्घी किसके पास जाएगी इसका फैसला भी टॉस करके किया गया था। कहते हैं सोने जड़ित बग्घी है, इस बग्घी में सोने सोने जड़े हुए हैं, घोड़े इसे खींचते हैं और घोड़ों के साथ साथ अंगरक्षक चलते हैं। अंगरक्षकों की संख्या को लेकर के भी जब देश का विभाजन हुआ तो 2:1 में कि 2:1 अंगरक्षक जाएंगे भारत के साथ और 1:1 अंगरक्षक जाएंगे पाकिस्तान के साथ, इस प्रकार से अंगरक्षकों का फैसला हुआ। तो 2:1 में भारत को अंगरक्षक मिले, 1:1 में पाकिस्तान को मिला। बग्घी की बारी आई तो पाकिस्तान ने कहा इसे हम लेंगे, भारत की तरफ से टॉस जीता गया और टॉस जीत करके इसे भारत के ही साथ ले लिया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति बने तो इसी बग्घी में बैठ करके उन्होंने भी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रपतियों के द्वारा संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो या मीटिंग रिट्रीट हो उस समय पर इस बग्घी का उपयोग किया जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश 1984 में देश के एक प्रमुख नेता इंदिरा गांधी जी की उन्हीं के गार्ड्स के द्वारा जब हत्या कर दी गई तो सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बग्घी के इस्तेमाल की जगह बंद गाड़ियों का उपयोग किया जाने लगा, बुलेट प्रूफ कार का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन साथियों 1984 के 40 साल बाद अब अगर कर्तव्य पथ पर फिर से बग्घी चलती दिखाई दी है तो ये भारत की उस दृढ़ता को दिखाती है कि हमारी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के डेलीगेशन को बुला करके बग्घी से बिठा कर घुमाया जाता है। ये भारत की दृढ़ता को दर्शाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है कि दुश्मन को हम छोड़ेंगे नहीं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है और वो फैक्ट ये है कि इस बग्घी का उपयोग रामनाथ कोविंद जी द्वारा भी संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 2017 में किया गया था, जब प्रणब दा भी उनके साथ इसी बग्घी में सवार थे। इस बार भी 2 राष्ट्रपति, एक फ्रांस के और एक भारत के, इस बग्घी से सवार होकर निकले थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बग्घी की कहानी जानकर अच्छा लगा हो। इसके साथ जब राष्ट्रपति यहां आए तो साहब क्या उन्होंने कोई बातचीत करी क्या हमारे साथ? बिल्कुल की। राष्ट्रपति जब यहां आए तो आपने भारत के साथ लगभग 15 से अधिक समझौतों की बातें की। इन समझौतों में भारत के साथ मिलकर टाटा और एयरबस मिलकर के जो हवाई जहाज बना रहे हैं उसकी बातें हुई, हेलीकॉप्टर्स की बातें हुई, साथ ही साथ सेंजन वीजा की बात हुई। एक और इंटरेस्टिंग वाकया निकल कर आया और वाकया ये था कि कनाडा, जो कि भारत के साथ में हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा खटाई में अपने रिश्तों को लेकर चल रहा है, उस कनाडा का मुद्दा भी यहाँ आ ही गया। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आया तो सही। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ? कहा गया कि जो कनाडा है ना, हाल ही में 86% स्टूडेंट्स कनाडा जाने से बच गए हैं। क्यों? दो बड़े कारण हैं। भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया तो ऐसी स्थिति में भैया लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है वहां जाने के लिए। दूसरा, अब इंडिया के लोग भी इनसिक्योर फील करने लगे हैं कनाडा को लेकर के। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया से जब बच्चे कनाडा पढ़ने जाते हैं तो कनाडा को लगभग $22 बिलियन का सालाना आय होती है। ऐसी स्थिति में 86% नंबर डाउन होना अपने आप में बड़ा लॉस है फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए कनाडा का। लेकिन फिलहाल के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने यहां पर भी दाव खेल दिया है। उन्होंने कहा है पढ़ने के लिए कनाडा क्यों, अब फ्रांस आइए। हालांकि शब्द यूज नहीं किया, बस उन्होंने इतना कह दिया कि 2030 तक 30,000 भारतीयों को वो फ्रांस पढ़ने बुला रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा नंबर है साथियों। आप में से जो भी साथी विदेश पढ़ने की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फ्रांस अब एक अपॉर्चुनिटी होने वाला है। साथ ही साथ सेंजन वीजा को लेकर के भी बात हुई। ये वो वीजा है जिसको एक बार लिया तो कई यूरोप के देशों के अंदर एंट्री साथ में मिलने लगती है। इसी प्रकार से भारत और फ्रांस के बीच में डीप कोऑपरेशन के साथ साथ भारत को मार्शल आइलैंड के अंदर दूतावास, उनका हैदराबाद में दूतावास जैसी चीजें खोलने को लेकर के भी बातचीत यहां पर हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को इमानुएल मैक्रोन की भारत यात्रा बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्रीफ में समझ में आ गई हो। आज परिस्थितियां हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, इसीलिए अपने स्टूडियो से मैंने आपका ये सेशन नहीं किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे सोचा आपको दे दें। आपको उम्मीद है कि यह तरीका पसंद आया होगा और हमारा यह प्रयास अगर पसंद आया है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे अपने स्टूडियो से। तब तक के लिए अपडेटेड बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने हमारा एक और वीडियो फास्ट फूड नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। थैंक यू।